मुझे आवेंगी और कहूँगी बहू पे बहू तो काट वो चला रही थी इनकी बुग्गी चला चाचा जी भी ऐसे लग रहे थे कह रहे भाई वाह चल बेटा अबे गाना गा वो जाते हैं ना बुग्गी वो कौन सा है गोनी दिशा में लेके चला रे बटे बटुईया बटुईया गोनी दिशा में लेके चला रे बटुईया चले किसी अनजानी सी डगर जरा ठहर ठहर गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे गिरेगा मैं खेत में ओ बैल भाई साहब दिमाग से चल लो आंखों से देख के ध्यान से चल ठीक है चल जल्दी जल्दी भाग ले ये हमारा सिम्बा कहाँ करा सिम्बा 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 क्या हो रहा सिम्बा भी ध्यान दे ले कभी वो टुकड़ा जा पर को सिम्बा सिम्बा को नीचे बैठो मुझे बैठो बेटा सिम्बा को देखना खड़े होने में कितना मजा आ रहा अरे पागल गिर जा रहे बेटा चल ओ मेरे पागल बेटा चल भाई आज मजा आ गया सच में जितना मजा कहीं जाते हैं ना टूर पे उतना ही मजा आ रहा मेरे बुग्गी चलाने में आज चल आज मेरी बुग्गी चलाने की इच्छा पूरी होगी देखो आज मैं बुग्गी चला रही मुझे दे आए हाय ये रोड भी ऐसी है यहाँ ना तो ये डर है कि किसी और की बुग्गी आ जाएगी और मैं कैसे बचाऊंगी फिर देखो वो सिम्बा मांग रहा है सिम्बा भी चलाएगा ले वही सिम्बा भी चलाएगा लो चल बेटा यस इधर रख बेटा वो हमें खेत में डाल देगा इधर खेत में गिरा देगा हमें चल चल भाई बसंती जल्दी जल्दी चल ले खेत में पहुंचा दे हमें आधा घंटा हो लिया सांस तो नहीं चढ़ गया चल अभी से कुछ खिला देंगे कुछ घास वास खा लेता होगा वहाँ चकोड़ में काफी सारी घास है वहाँ खा अपनी मम्मी से लड़ रहा है मैं ही सिम्बा गलत बात है बेटा बहुत गलत बात है पिटाई कर दूंगी मैं कभी और भूल में नीचे फेंक दूंगी खेत में कभी और भूल में हो हम तो कह रहे नीचे बैठ जा गिर जाएगा भाई बालक है समझ नहीं आता देखियो लड़े मेरी गैल में कैसे आजकल के बच्चे ये हां नहीं तो पड़े चल बेटा चल और ये खाल में पानी आ रहा है गैल चल रही है जो इनके ना गिरते बुग्गी कहीं ना गिरने का कुछ ना चलता देखो डांचा ने शुरू किया ओ डांचे यहाँ तो कठिन ही हैं डांच तो बहुत गंदा काटते हैं डांच क्या होता है डांच होता है मक्खी जैसा एक बड़ा सा मच्छर जैसा मच्छर का बड़ा रूप मक्खी काटती थोड़ी है मच्छर का बड़ा रूप डांच होता है इतना तेज काटता है जैसे ततैया काटता है ना बहुत खतरनाक काटता है हाय कभी आज मैं आई मजे मजे में अरे ये डांच मुझे काट कूट के बेच जाए आते डांच इंसानों को बहुत कम काटते हैं कम काटते हैं वैसे भी मेरा खून तो कड़वा मेरी तो कटते ही ना चल भाई जल्दी जल्दी चल ले खैर खेत में तो हम पहुंचने वाले हैं बारिश भी थोड़ा कम सी होगी आज चाचा की जुआर काट लेते हैं चाचा की जुआर है ये चाचा की जुआर है ये चाचा वाली वो आगे जा साइकिल पे कितनी दूर यहाँ तो सच में काफी दूर है दोपहरी वोपहरी में चोर चार सुनाते हैं ये यूपी है यहाँ योगी बाबा का राज है अब चोर वोरों के सब ठिकाने सब ठिकाने लगा रखे हैं योगी बाबा ने सबके पगे बांध रखे हैं तो चोरों चारों की तरह चोर न डाकू चल जल्दी जल्दी चल भाई
ट्वेल्व है वहाँ पे। ट्वेल्व है हमारे गांव का नहीं बेटा। देखें अच्छा दूसरा गांव है बेटा उसके, उन्हीं की ट्वेल्व है। थोड़ा था मम्मी कह रही थी वो बेटा देखे लोग हैं अजय ने, वो हसरत बात कर रहे थे दोनों का। अरे बड़े गिरा हुआ है तो चलो अब हम पहुंच गए हैं अपने खेत में। खेत को लो भाई हम खेत में पहुंच गए हैं। अब हम अपनी बुग्गी को यही सर थोड़ी देर रुकना, हम ज्वार लाते हैं काट के हम उतर जाते हैं और चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? इससे मैं डांच मारूंगा। अच्छा जो मेरे ना काट है चल मार दो पहले ही। अरे अरे ले भाई सिम्बा को भी तारो उठरा भला हो जा। देखियो डांच कैसे होते हैं गाइस। देखो ये डांच था इसके मार दिया, ये मच्छर का बड़ा रूप है। देखो अब चलते हैं खेत में। किधर को जाऊं? इधर को देखो। ओफो डर सा लगे। तो देखो घास बड़ा बड़ा, इस बड़े बड़े घास में कुछ चलते ना डर सा लगे। अरे बड़े अले भले सिम्बा तू तो बुग्गी पे बैठ जा बेटा है। हम खेत में आ गए। अब ये साइड में तो है एक मुड्डी, सेकंड टाइम होने वाला, और ये है हमारी ज्वार। चलो ज्वार भी काट के देखती हूँ। खेत में तो आई गई आज मैं, आज मैं ज्वार भी काटूंगी। ये देखो गाइस ज्वार कैसी होती है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अब इस दुपट्टे को रख दूँ अलग, दुपट्टे में मेरे से काम नहीं होगा, गर्मी लगी मुगी चलाते चलाते। तो ये है ज्वार। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे ईख की हो, लेकिन इसमें ना देखो निशान पड़े होते हैं, कुछ साइंस ये होते हैं इस तरह के, है ना। ये है ज्वार की पत्ती और ये है ईख यानी गन्ना जिसका आप लोग रेसिपी कहें। ये है उसकी पत्ती, आप देखो आप लोग। नहीं बेटा हाथ में लग जाएगी, छोड़ दो। देखो ये सिम्बा क्या कर रहा है, सिम्बा हाथ में ब्लड निकल जाता है। छोड़ दो छोड़ दो। ये देखो आशुतोष जी ने तो अपनी ड्रेस कर ली चेंज ताकि डांच वाँच काटे ना, और अब ये लगेंगे अपनी ज्वार काटाई पे। देखो ज्वार काटने का